स्टूडेंट्स, आज 27 सितंबर को भी एक पेपर हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी का। उसमें कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए थे, उनमें से 7 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ चिड़ी भालू चक एंड फुली आर काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चिड़ी भालू चक और फुली किस चीज़ के प्रकार हैं? दे आर ऑर्नामेंट्स, ये आभूषणों के प्रकार हैं। सेकेंड इज विच टेम्पल लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिसॉर्टेड बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कांगड़ा जिले का कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसका पुनर्निर्माण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने किया? वो है भद्रकला टेम्पल। थर्ड वन इज द यूनिक पंचमुखी शेप मरीच हवन कुंड ऑफ देवता मरीच वॉज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स इन 2002, वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो एक पंचमुखी प्रकार का मरीच हवन कुंड है देवता मरीच का, जिसे 900 साल के बाद 2002 में ओपन किया गया था। उसकी लोकेशन कहाँ है? तो वो है धौलासेरी कुमारसेन में। फोर्थ क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा। तो राज्यसभा जाने वाली हिमाचल की पहली वुमन कौन थी? वो थी लीला देवी महाजन। फिफ्थ वन इज द निर्मंड कॉपर प्लेट इश्यूड बाय महासमंता महाराजा समुद्र सेन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो निर्मंड में कॉपर का सिक्का इश्यू किया गया था महासमंता महाराजा समुद्र सेन के द्वारा। वो कौन सी सेंचुरी में इश्यू किया गया था? वो किया गया था 7th century AD में। सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैक रूट टू भरमौर फ्रॉम धर्मशाला। तो धर्मशाला से भरमौर को अगर आपने ट्रैकिंग पे जाना हो तो वो ट्रैकिंग रूट कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है भागसू से, भागसू नाग से। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू 400 किलोमीटर्स आलमोस्ट पैरेलल टू इंडस एंड देन कट्स थ्रू बोथ द झास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस। तो ऐसी कौन सी नदियाँ जो लगभग 400 किलोमीटर पैरेलल चलती है इंदस या सिंधु नदी के, और फिर वो झांस्कर को और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को कट करती है? तो वो रिवर है रिवर सतलुज। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स अ लॉट।